Hi guys, this is Tauqeer Alam here. Today we are going to learn about 10 words that tells man's types. Friends, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे words देखेंगे जो इंसानों के मिजाज या उनकी किस्म बताती हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इरिटेबल बाय नेचर। इरिटेबल बाय नेचर का मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव वाला इंसान। अगर आपको कहना हो वह चिड़चिड़ा स्वभाव वाला इंसान है तो आप कहेंगे ही इज इरिटेबल बाय नेचर। अगर आपको कहना हो मेरा दोस्त चिड़चिड़ा स्वभाव वाला इंसान है, आप कहेंगे माय फ्रेंड इज इरिटेबल बाय नेचर। मैं चिड़चिड़ा स्वभाव वाला इंसान नहीं हूं, आई एम नॉट इरिटेबल बाय नेचर। क्या आप चिड़चिड़ा स्वभाव वाले इंसान हैं? आर यू इरिटेबल बाय नेचर? आइए फ्रेंड्स, आज का दूसरा वर्ड देखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स सोशिएबल बाय नेचर। सोशिएबल बाय नेचर का मतलब होता है मिलनसार इंसान या सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला इंसान। इसमें कोई शक नहीं कि आप मिलनसार इंसान हैं। इट इज नो डाउट दैट यू आर सोशिएबल बाय नेचर। क्या आपको नहीं लगता मैं मिलनसार इंसान हूं? डोंट यू थिंक आई एम सोशिएबल बाय नेचर? मुझे नहीं लगता वे लोग मिलनसार इंसान थे। आई डोंट थिंक दे वर सोशिएबल बाय नेचर। आपको मिलनसार होना चाहिए या आपको मिलनसार बनना चाहिए। यू शुड बी सोशिएबल बाय नेचर। आइए फ्रेंड्स, आज का तीसरा वर्ड देखते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है फ्रेंड्स स्वीट टेम्पर्ड। स्वीट टेम्पर्ड का मतलब होता है मीठा स्वभाव वाला इंसान, मधुर स्वभाव वाला इंसान या खुश मिजाज इंसान। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरा दोस्त खुश मिजाज इंसान है या मधुर स्वभाव वाला इंसान है या मीठा स्वभाव वाला इंसान है, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड इज स्वीट टेम्पर्ड। मैं अच्छा से जानता हूं आप मीठे स्वभाव वाले इंसान हैं या मैं अच्छा से जानता हूं आप खुश मिजाज वाले इंसान हैं। आई नो वेल यू आर स्वीट टेम्पर्ड। आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड्स ऑक्जोरियस मैन। ऑक्जोरियस मैन का मतलब होता है वह इंसान जो अपने बीवी को बहुत प्रेम करता हो या बहुत मोहब्बत करता हो। यानी अगर कोई इंसान अपने बीवी को बहुत मोहब्बत करता है तो इस तरह के इंसान को हम कहते हैं ऑक्जोरियस मैन। आप अपने बीवी को बहुत प्रेम करने वाले इंसान हो। यू आर एन ऑक्जोरियस मैन। वह अपने बीवी को बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है। ही इज एन ऑक्जोरियस मैन। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड फ्रेंड्स क्रूक्ड मैन। क्रूक्ड मैन का मतलब होता है खड़ूस इंसान। अगर आपको कहना हो वह एक खड़ूस इंसान है तो आप कहेंगे ही इज अ क्रूक्ड मैन। मैं खड़ूस इंसान नहीं हूं, आई एम नॉट क्रूक्ड मैन। क्या आपको नहीं लगता है वह एक खड़ूस इंसान है? डोंट यू थिंक ही इज अ क्रूक्ड मैन। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कारी इंसान या करिश्माई इंसान या हैरत अंगेज इंसान। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह एक चमत्कारी इंसान है या वह एक करिश्माई इंसान है या वह एक हैरत अंगेज इंसान है, तो आप कहेंगे ही इज मिरेकुलस। आप चमत्कारी इंसान नहीं हैं या आप हैरत अंगेज इंसान नहीं हैं। यू आर नॉट मिरेकुलस। तो फ्रेंड्स, कोई ऐसा इंसान जो बड़ी बड़ी चमत्कार करता हो या हैरत अंगेज वाला काम करता हो, आप उसे मिरेकुलस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी इंसान। मेरा भाई एक जिद्दी इंसान है। माय ब्रदर इज एन एडमेंट। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है गल्टन। गल्टन का मतलब होता है पीटू इंसान।
या भूखड़ इंसान, वह इंसान जो हमेशा खाने पीने के बारे में सोचता हो। कोई शक नहीं कि आप पेटू इंसान हैं। इट इज नो डाउट यू आर ए गल्टन। क्या बोले, क्या मैं एक पेटू इंसान हूं? व्हाट डिड यू स्पीक, एम आई ए गल्टन? नहीं नहीं, मैंने कहा आपका दोस्त एक पेटू इंसान है। नो नो, आई सेड योर फ्रेंड इज अ गल्टन। तुम कैसे कह सकते हो मेरा दोस्त पेटू इंसान है? हाउ कैन यू से दैट माई फ्रेंड इज अ गल्टन? क्योंकि मैं जानता हूं वह पेटू है। बिकॉज आई नो ही इज अ गल्टन। आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं। और अगला वर्ड है हैंडपिक्ड। हैंडपिक्ड का मतलब होता है जोड़ू का गुलाम। क्या आप जानते हैं गोविंद गिरी जोड़ू का गुलाम है? डू यू नो गोविंद गिरी इज हैंडपिक्ड? लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वह जोड़ू का गुलाम है। बट आई डोंट थिंक दैट ही इज अ हैंडपिक्ड। क्या आपको लगता है कि वह एक जोड़ू का गुलाम है? डू यू थिंक दैट ही इज अ हैंडपिक्ड? आइए फ्रेंड्स, आज का अगला वर्ड देखते हैं, मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब होता है टपोरी। लगता है आप नहीं समझे कि टपोरी क्या होता है। फ्रेंड्स, नीच इंसान या खराब इंसान, दुष्ट इंसान, शैतान इंसान को हम मिसक्रिएंट कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के शैतान इंसान को या खराब इंसान को, नीच इंसान को हम टपोरी भी कहते हैं। तो अगर आपको कहना हो वह एक टपोरी है तो आप कहेंगे ही इज अ मिसक्रिएंट। उससे बात मत करो, वह एक टपोरी है। डोंट टॉक टू हिम, ही इज अ मिसक्रिएंट। मैं एक टपोरी से मिला, आई मेट अ मिसक्रिएंट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये 10 वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे और इंसान के किस्म और इंसान के टाइप्स की अंग्रेजी बोलने में आप चूकेंगे नहीं। फर्स्ट, तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार करने वाले इंसान हो। और सेकंड, मेरे अध्यापक मधुर स्वभाव वाले इंसान हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो आप मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। हाय गाइस, दिस इज तौकीर आलम हियर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, हीप्स ऑफ। फ्रेंड्स, आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि इन सब का क्या सही यूज है। यह बात तो क्लियर है कि इन सभी का हिंदी बहुत होता है, लेकिन इन सब का अलग अलग यूज है जिसे आपको बारीकी से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेनी और मच के बारे में। मेनी और मच का अर्थ बहुत होता है, लेकिन मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी अगर आपको कहना हो बहुत लड़के, तो आप कहेंगे मेनी बॉयज, क्योंकि लड़के ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि बहुत पानी, तो आप कहेंगे मच वाटर। यहाँ मच का यूज करेंगे क्योंकि पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे अगर आपको कहना हो बहुत कुर्सियां, तो आप कहेंगे मेनी चेयर्स, बहुत घोड़े मेनी हॉर्सेस, बहुत कलमे मेनी पेंस। लेकिन अगर आपको कहना हो बहुत दूध, आप कहेंगे मच मिल्क, बहुत चावल मच राइस। आइए अब देखें कि इन सब का सही यूज क्या है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ, हीप्स ऑफ, इन सभी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ किया जा सकता है। यानी अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर अनकाउंटेबल है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे पास बहुत दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड। तो आप लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ, हीप्स ऑफ का यूज अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ करिए। लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ का यूज सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी
उस नाउन के साथ किया जाता है जो गणनीय हो और एक से ज्यादा हो। मेरे पास बहुत विद्यार्थी हैं। I have a number of students. A large quantity of या a large amount of का क्या यूज है? A large quantity of या a large amount of का यूज सिर्फ uncountable noun के साथ किया जाता है। जैसे बहुत दूध, a large amount of milk, बहुत पानी, a large amount of water। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अगर आपको कहना हो मेरे पास बहुत पैसा है तो आप कह सकते हैं I have a lot of money। अगर आपको कहना हो कि बहुत लड़के आए तो आप कह सकते हैं A lot of boys came। आप ये भी कह सकते हैं Many boys came। आप ये भी कह सकते हैं Lots of boys came। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।